जय हिंद। आज हम लोग दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता को सीखेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि कैसे भारतीय उपमहाद्वीप ने पूरे दुनिया में एक सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। पूरे दुनिया जब बर्बर स्थिति में थी तो भारत में और एक दो और क्षेत्रों में सभ्यता फल फूल रही थी। हमने पूरे विश्व को सभ्यता सिखाया है वो यूं ही नहीं कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग सीखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। यह एक ऐसा चैप्टर है जिस पे सबसे ज़्यादा विवाद होता है। इतिहासकार सबसे ज़्यादा इसी पे विवाद करते हैं। इसके अंदर विवाद होने का बहुत सारा कारण है क्योंकि इस सभ्यता के अंदर में जो लिपि मिला है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो हम लोग अनुमान के आधार पर कई चीज़ों का इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं और किसी भी एक सहमति पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे चीज़ों को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है। तो आज हम लोग उसको देखते हैं कि कहां कहां विवाद होता है। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ खास जगहों में कुछ खास तरह के लोगों का जमावड़ा होता है। धीरे धीरे वो खेती करते हैं और धीरे धीरे वह इतना ज़्यादा विकसित हो जाते हैं कि शहर तक का निर्माण कर डालते हैं। शहर का निर्माण होने का मतलब है कि उनका बहुत ज़्यादा विकास हो गया। यहाँ वहाँ शिक्षा भी होगी, वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होगी, वहाँ पे लोगों का रहन सहन अच्छा होगा, गरीबी बहुत कम हो सकती है और भी बहुत सारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और जल की सुविधा है, पानी की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं वहाँ आ जाती है। तब जा करके वह एक सिविलाइज्ड हो जाता है, उसको शहर शहर की संज्ञा दी जाती है। तो हम लोग उसी को आज देखेंगे लेकिन क्रम से हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, भारत उपमहाद्वीप पे, अभी तो भारत भी है, उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो उस समय यहाँ पे एक सभ्यता लहलहाती थी, उसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसका ऐसे बहुत सारा नाम है, उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसका नाम सरस्वती सभ्यता भी है, उसका नाम प्रथम नगरीय क्रांति भी कह सकते हैं और कांस्यविन सभ्यता भी कहते हैं। उस पर बारी बारी से हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम पहले ये देखते हैं कि जिस समय भारत में सभ्यता का विकास हो रहा था या जिस समय ये सिविलाइजेशन फल फूल रहा था, तो उसी दौरान दुनिया में और कहाँ कहाँ इस तरह की सिविलाइजेशन फल फूल रहा था। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पूरे दुनिया में उस समय सिर्फ 4 जगह ही था जहाँ पे सिविलाइजेशन उस तरह से फल फूल रहा था, उतना विकसित अवस्था में था। एक था इजिप्ट, यानी नील नदी के घाटी में। आप देख रहे हैं ये इजिप्ट है, यहाँ पे एक नील नदी है, इसी घाटी में एक सभ्यता विकसित हुआ था, उसको कहते हैं मिस्र की सभ्यता, वो उसी समय फल फूल रहा था। साथ ही एक सभ्यता आप देख रहे हैं कि इराक में है, जो दजला और फरात नदी के क्षेत्र में है, उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पे हमने लिखा है मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये। और उसके बाद बगल में आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर के एक सभ्यता विकसित था, उसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, इसको सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और एक और सभ्यता थी उसी समय पूरे विश्व में, वो थी ह्वांगहो नदी घाटी की सभ्यता, जो कि चीन में है, ये चीन में है। तो ये 4 ही सभ्यता थी, एक है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ह्वांगहो नदी घाटी की सभ्यता। ये 4 सभ्यता थी, आज से 5000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और भारत में देखेंगे कि भारत में मैंने एक विस्तार से एक मानचित्र बना दिया है, कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो स्थल मिले हैं वह सिंधु नदी के घाटी में मिले हैं या उसके सहायक नदी है उन्हीं के घाटी में मिले हैं। हालांकि जब रिसर्च होते गया तो पता लगा कि सिर्फ सिंधु नदी के घाटी में ही नहीं बल्कि वह एक हाकरा घग्घर रिवर है जिसको सरस्वती रिवर भी कहते हैं। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि सरस्वती रिवर जो है काल्पनिक रिवर है, तो उसके वैली में भी बहुत सारे अलग अलग साइट मिले हैं, अलग अलग स्थल मिले हैं हड़प्पा कालीन। तो इसीलिए इसको क्यों ना हाकरा घाघरा वैली कहा जाए या इसको सरस्वती वैली सिविलाइजेशन कहा जाए। हालांकि विद्वान इस पे सहमत नहीं है।
खैर हम लोग ये देखते हैं, देखिए हमने यहाँ बनाया है इंडस नदी को। इंडस नदी आपको पता है कि तिब्बत से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से निकल करके वह भारत में प्रवेश करती है, फिर वह पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, डेल्टा बनाती है। और ये सिंधु नदी जो है वह बाढ़ लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इतिहास में इसको जाना जाता है। जिस समय हड़प्पा काल चल रहा था उस समय प्रत्येक साल लगभग इसमें बाढ़ आ जाया करते थे। साथ ही साथ आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सिंधु नदी घाटी जो है इसमें और भी कई नदियां हैं जो आकर के इसकी सहायक नदियां हैं जो बाएं से इसमें मिल रही है, जैसे एक झेलम नदी है, एक चिनाब नदी है, एक रावी नदी है, एक ब्यास नदी है, एक सतलुज नदी है। सतलुज नदी देख रहे हैं तिब्बत से ही निकल रही है। तो इस तरह से नदियां आकर के इसमें मिल रही है और इस पूरे क्षेत्र को एक उपजाऊ बना देती है। ये उपजाऊ क्षेत्र है, आजकल तो यह लगभग सेमी ड्राइनेस स्थिति में है, कहने का मतलब है कि अर्ध शुष्क अवस्था में है, वर्षा कम ही होता है। किसी किसी क्षेत्र में तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कहीं कहीं पे 40 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर इस तरह से है। उस जमाने में जब यह सिंधु घाटी सभ्यता थी लगभग आज से 5000 साल पहले, उस समय वर्षा की मात्रा अभी की तुलना में ज़्यादा था। कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ और उस समय वर्षा की मात्रा ठीक ठाक थी, मतलब कम से कम इतनी तो थी कि यहाँ खेती हो सकता था, यहाँ गांव बस सकते थे, यहाँ शहर का विकास हो सकता था, वैसी भौगोलिक परिस्थिति उस समय थी। साथ ही साथ यहाँ जंगल बहुत घने घने नहीं थे, तो लोगों को जंगल को काट करके आसानी से जो थोड़ा बहुत झाड़ वगैरह था उसको काट करके आसानी से खेतीबाड़ी किया जा सकता था। साथ ही साथ ये नदी जो है, ये नदी बहुत सारी फैसिलिटी दे रहा था। नदी जो है वह एक तरह से परिवहन की सुविधा भी दे रहा था, पीने का जल भी दे रहा था, और साथ ही साथ इसमें मछली भी है तो उसको मछली मार करके भी उस पर आजीविका चलाया जा सकता था। तो इस तरह से सिंधु नदी के कारण जो है इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हो गया और यह पूरे दुनिया में एक विशाल स्थल, एक विशाल नगरीकरण के रूप में सामने आया। और इसके बारे में जानकारी हम लोगों को बहुत बाद में चला है। कहा जाता है कि पूरा वैदिक काल में कहीं भी ऋग्वेद में या पुराण में या रामायण में महाभारत में इसका जिक्र ही नहीं है। किसी को नहीं पता था कि किस तरह की एक सभ्यता है जो भारतीय उपमहाद्वीप में है। ये पहले एक अंग्रेज ने देखा था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 के आसपास ही, लेकिन वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में 1921 में पुरावशेष प्राप्त होते हैं, कुछ अलग अलग मनके प्राप्त होते हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं और मोहरे प्राप्त होते हैं, तब पता लगता है कि यहाँ पे एक बहुत विशाल सभ्यता थी। और नामकरण कर दिया जाता है हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल है वह है हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। साथ ही साथ दूसरा 1922 में एक और स्थल की खोज होती है और इसके खोज करने वाले जो है वो होते हैं राखाल दास बनर्जी, और वह खोजते हैं एक मोहन जोदरो नाम का एक नगर है, वहाँ पे खुदाई होता है, वहाँ से भी पता लगता है कि बहुत बड़ी सभ्यता थी। ये हड़प्पा है और ये मोहन जोदरो है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहन जोदरो सिंधु नदी के किनारे है। और ये दोनों सभ्यता जो है, कहा जाता है कि जुड़वा राजधानी था इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे विकसित क्षेत्र है इसको माना जाता है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता हो गया इसका नामकरण। साथ ही साथ सरस्वती सभ्यता, कहा जाता है कुछ विद्वान की ज़्यादा स्थल तो यही मिल गए, लगभग 2200-2300 स्थल है, जिसमें से 1500 के आसपास जो स्थल है वो कहते हैं कि इसी नदी के आसपास में है, तो क्यों नहीं इसको सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन कहा जाए। लेकिन विद्वानों ने अभी तक इस पर सहमति नहीं दिया है, अभी भी लोग हड़प्पा सभ्यता का नाम का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यह प्रथम नगरीय क्रांति थी। देखिए नगर का विकास दुनिया में सबसे पहले इसी क्षेत्र में हुआ। नगर कहने का मतलब है विकसित जगह, वहाँ पे नाली होगा, वहाँ पे सड़कें होंगे, चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, वहाँ पे यहाँ पे छत वगैरह होंगे, यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं होगी, विलासिता की वस्तुएं होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे नगर बस गया। और साथ ही साथ कहेंगे इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहेंगे, क्योंकि उस समय लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व या इसको BC भी कहते हैं, इस समय कांसा का प्रयोग होता था। उस समय तांबा और टीन, देखिए तांबा प्लस टीन दोनों को मिला करके एक एलोय बनता था, उसको बोलते थे
कांसा, कांसा तैयार होता था। और कांसा तांबा की तुलना में थोड़ा ज़्यादा कठोर होता है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले लोग तांबे का ही इस्तेमाल करते थे। मानव सबसे पहले किसी धातु का प्रयोग करना शुरू किया तो वो था तांबा, उसके बाद ही वह कांसे का प्रयोग करना शुरू किया। तो इस क्षेत्र में कांसे का प्रयोग होता था, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता था, बहुत ज़्यादा तो मिला है मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र में, लेकिन यहाँ भी कांसे का प्रयोग होता था। अब ये सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा विकसित था कि लोग यहाँ लड़ते नहीं थे, वार का कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिला है जिससे पता लगे कि ये लोग युद्ध लड़ते थे। ये लोग बहुत शांति प्रिय लोग थे, ये लोग व्यापार करने में ज़्यादा रुचि रखते थे, युद्ध लड़ने में नहीं रखते थे। ऐसे भी जो समाज बहुत विकसित हो जाता है वो युद्ध वगैरह नहीं लड़ता है, वो झगड़ा मारपीट नहीं करता है। अब समाज में भी देखते हैं अभी भी यूरोपियन कंट्री में कई, जैसे आइसलैंड है, नॉर्वे है, उन सब जगह पे बहुत ज़्यादा अपराध, बहुत कम अपराध होता है और वहाँ वो एकदम शांति प्रिय देश हो चुका है, वहाँ पुलिस के पास ज़्यादा काम ही नहीं रहता है। तो वैसे समाज जहाँ कम विकास है, जहाँ पे निर्धनता ज़्यादा है, गरीबी है, वहाँ हिंसा भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ हिंसा भी नहीं होता था, इसका मतलब है कि बहुत डेवलप थे। साथ ही साथ यहाँ उत्तम जल का प्रबंधन होता था, वाटर मैनेजमेंट तो इतना बेहतरीन था कि अभी के नगरों को सीखना चाहिए कि कैसे वाटर मैनेजमेंट किया जाए। यहाँ नाली एकदम पक्की बनी हुई है, ऊपर से उसको ढक दिया जाता था, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया जाए। अभी आप निकलेंगे टाउन में कहीं भी तो देखेंगे कि नाली खाली है, बरसात के समय में पानी भर जाता है, लोग उसी में डूब जाते हैं। तो हमको सीखना चाहिए इस सभ्यता से कि किस तरह से नाली का निर्माण करना चाहिए। ये लोग सबसे पहले क्या करते थे, किसी क्षेत्र का प्लानिंग करते थे कि वहाँ शहर को कैसे बसाया जाए। सबसे पहले वह नालियों को बनाते थे, सड़कों को बनाते थे, और सड़क और नाली बनने के बाद ही वहाँ घरों का निर्माण करते थे और तब उसमें लोग बसते थे। यानी कि पूरी तरह से प्लान्ड सिटी, और प्लान्ड भी किस तरह से, ग्रिड लेवल में, ग्रिड इस तरह से ग्रिड आकृति होती है, ऐसे सड़क आ रही है, ऐसे सड़क आ रही है, और इसमें वह डेवलप करते थे अपने शहरों को। अभी आप वर्तमान में देखेंगे कि चंडीगढ़ जो एक शहर है वो ग्रिड आकृति में बसा हुआ है, वह उसको प्लान्ड सिटी कहा जाता है। लेकिन प्लान्ड सिटी तो देखते हैं कि सबसे पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने बसा दिया था और उसके बारे में हमें पता ही नहीं था। साथ ही साथ ये लोग माप तौल के लिए बाट का प्रयोग करते थे, 16 के अनुपात में, और बहुत दिनों तक ये चलता रहा है। यहाँ पे बार्टर प्रणाली था, यानी सामान लीजिए तो सामान के बदले में सामान दिया जाता था। कहीं कहीं पे मुहरों का और लाजवर्त का प्रयोग किया गया है, लेकिन वह सीमित ही है। ज़्यादातर तो सामान लेकर के सामान ही दिया जाता था, तो उसको बार्टर प्रणाली कहते थे। इस तरह की सिस्टम यहाँ चलता था। साथ ही साथ ये लोग खेती भी करते थे, गेहूँ उपजाते थे, जौ उपजाते थे, मटर उपजाते थे, और पशुपालन भी करते थे। ये लोग काफ़ी अधिक संख्या में, जैसे सांड का बहुत सारा वो आपका मिला है, मोहर वगैरह, सांड को ये लोग बहुत पसंद करते थे। बैल को ये लोग पूछते थे, पीपल के वृक्ष को पूछते थे, चिड़िया के वगैरह के बारे में बहुत सारा वो आपको एक मूर्ति मिला है, मातृ देवी का मूर्ति मिला है। कहा जाता है कि यहाँ पे माताओं का बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, स्त्रियों का इतना सम्मान था कि लोग उसकी पूजा करते थे, और कहा जाता था इसीलिए मातृ सत्तात्मक समाज था, यहाँ पितृ सत्तात्मक नहीं था, इतने विकसित हो थे कि यहाँ मातृ सत्तात्मक था। वैसे भी प्राचीन जितनी भी सभ्यता मिलेगी वह मातृ सत्तात्मक मानी जानी चाहिए, और शुरू शुरू में तो मातृ सत्तात्मक है, बाद में भले ही वह पुरुष वर्चस्व के कारण पुरुष सत्तात्मक हो जाता है। और अगर हम तुलना करें इसमें कि इजिप्ट और आपका मेसोपोटामिया, इंडस और ये ह्वांग हो, इसमें सबसे ज़्यादा विकसित कौन था, तो यह भारतीय उपमहाद्वीप वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा विकसित था। कहा जाता है कि यहाँ के जो सिस्टम था, एक राजनीतिक तंत्र, यहाँ के लोगों के वेलफेयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, न कि दूसरे किसी चीज़ पे। इजिप्ट वाले लोग बहुत ज़्यादा स्मारकों का निर्माण कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। कहा जाता है कि वहाँ पे इजिप्ट के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक पिरामिड वगैरह मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे पिरामिड बनाए जाते थे। पिरामिड कैसे बनते थे? पिरामिड तो वाकई में बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है, लेकिन पिरामिड बिना किसी शोषण का तो बनेगा नहीं। वहाँ लेबरों को शोषण किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बांध दिया जाता था, और टैक्स के पैसे से वहाँ पे पिरामिड बनाया गया। लेकिन भारत में इस तरह के बड़े बड़े पिरामिड नहीं मिलते हैं, वो बनाए ही नहीं, उन्होंने मंदिर भी नहीं बनाया, मंदिर का भी कोई अवशेष नहीं मिलता है। तो भारत के जो ये जो क्षेत्र था इंडस वैली, यह लोगों के वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान देता था, न कि इस तरह के स्थापत्य को बनाने पर ध्यान देता था। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन सभ्यता थी। साथ ही साथ कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में जिगुरत मिला है, यानी कि मंदिर के ढांचा टाइप का मिला है। यहाँ लोग मंदिर बनाते थे, उसमें पूजा वगैरह करते थे, लेकिन इंडस वैली में मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला, मंदिर मिला ही नहीं है। साथ ही साथ
यहाँ पे मातृ देवी का पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि एक महिला का पेट से निकला हुआ एक वृक्ष के वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दिया है। कहा जाता है कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, साथ ही साथ ये जो नदी है इसकी भी पूजा करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। हालांकि अभी निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सिंधु को माँ मानते थे, सिंधु माँ, और सिंधु माँ को वो पूजते थे एक आइडोल बना करके, एक पिक्चर बना करके। साथ ही साथ यहाँ पे जो व्यवस्था थी, कहा जाता है कि किसके कंट्रोल में रहता होगा, तो यहाँ पुजारियों के कंट्रोल में व्यवस्था नहीं थी। यहाँ ज़्यादातर जो शक्तिशाली वर्ग थे वो व्यापारी वर्ग थे, उन्हीं का ज़्यादा यहाँ चलती था, वो लोग व्यापार करते थे, उन्हीं का ज़्यादा यहाँ पे चलती था। ये जो ह्वांगहो घाटी नदी है ये भी चीन में था, वहाँ पे वो विकसित था, लेकिन भारत के साथ इसका व्यापार बहुत कम होता था, क्योंकि बीच में आप देखेंगे यहाँ पे एक पर्वत है हिमालय का पूरा, अराकान योमा ईशान में हिमालय, तो इसके साथ डायरेक्ट व्यापार नगण्य होता था, क्योंकि इधर आने जाने में पूरा प्राकृतिक अवरोध था। लेकिन मेसोपोटामिया के साथ खूब व्यापार होता था, क्योंकि लोथल वगैरह जगह पे, यहाँ पे एक लोथल नाम का जगह है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक साइट है, वहाँ से बहुत सारा मोहरे मिली है जो यह साबित करती है कि मेसोपोटामिया के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता था। हम लोग बहुत सारे चीज़ों को यहाँ से मंगाते थे अपने यहाँ, और हमारे यहाँ से कुछ चीज़ें इसके यहाँ भी जाती थी। साथ ही साथ इस मिस्र वाला जो इजिप्ट वाला क्षेत्र है उसके साथ भी व्यापार होता था। कहा जाता है कि इसके साथ भी बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, इस समुद्री रास्ते से भी व्यापार होता था इधर से, साथ ही स्थल से भी कुछ मात्रा में व्यापार होता था। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब हम बारी बारी से ज़रा देखते हैं कि क्या क्या मिला है और किस तरह के यहाँ पे घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। देखिए, सिंधु घाटी का विस्तार की अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पे, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल था उस समय के सभ्यता के अनुसार। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ था। 12 लाख वर्ग किलोमीटर कहने का मतलब है कि अगर अभी पूरा इंडिया को क्षेत्रफल को देखिएगा तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और 32 लाख के आसपास है और उसमें से 12 लाख वर्ग किलोमीटर ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो लगभग 1/3 है, 1/3 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ था, इसका विस्तार बहुत विशाल है। यह अभी वर्तमान में देखिएगा तो भारत के में भी है, पाकिस्तान में भी है, और ये आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है। तीन देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आपको ये याद करना हो कि सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन है, सबसे उत्तरी क्षेत्र जो कि झेलम नदी के आसपास है वो मांडा है, जम्मू कश्मीर में मांडा है। साथ ही साथ सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो वो दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो सबसे पूर्वी जो स्थल मिला है वो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। साथ ही साथ सबसे पश्चिमी कौन है, तो सबसे पश्चिमी है सुतकांगेंडोर जो कि पाकिस्तान में है, और यह जो क्षेत्र आप देखते हैं यह है बलूचिस्तान का एरिया। आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो जो है सिंध के एरिया में है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब के एरिया में है, और सुतकांगेंडोर जो है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला एरिया में है। अब इस चारों को याद करने का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, हमने बनाया है आलम को बिना दया के सुता सुता के मारो। देखिए बहुत फनी है लेकिन ये याद हो जाएगा तुरंत। आलम माने आलमगीरपुर सबसे पूर्वी, बिना दया यानी दायमाबाद दक्षिणी वाला, सुता सुता है सुतकांगेंडोर पश्चिमी, और मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी। तो आलम को बिना दया के सुता सुता के मारो, अगर आपने 2-4-10 बार ऐसे बोल दिया तो आपको चारों स्थल याद हो जाएगा। इस चारों स्थल को याद करने का ये सबसे छोटा सा ट्रिक है। अब हम देखते हैं, देखिए सिंधु सभ्यता काल को मोटा मोटी तीन भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्व हड़प्पा काल, दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल, तीसरा है उत्तर हड़प्पा काल। देखिए किसी भी जगह का विकास अचानक नहीं हो जाता है, उसका एक क्रमिक विकास ही होगा। तो यहाँ भी जो शहर बन रहे थे ना उसका एक क्रमिक विकास हो रहा था। कहा जाता है कि पूर्व हड़प्पा काल जो है जो 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व के काल माना जाता है, उस समय कोटदीजी दम्ब सादात जैसे शहरों का विकास हुआ, ठीक है। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल में ही बड़े बड़े शहरों का विकास होता है, जैसे हड़प्पा है, जैसे मोहनजोदड़ो है, जैसे चन्हुदरो है, जैसे लोथल है, जैसे कालीबंगा है, जैसे बनावली है। आपको पता है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में 7 ही स्थल ऐसे हैं जिसको शहर का दर्जा दिया गया है।
मतलब उसको एक टाउन कह लीजिए, सिटी कह लीजिए, उस तरह का दर्जा है, बाकी को इस तरह का दर्जा नहीं दिया गया है। ज़्यादातर तो ग्रामीण क्षेत्र थे, लेकिन शहर का दर्जा इसी तरह से दिया गया है। और तीसरा है उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल मतलब 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के काल को कहेंगे। उसमें रंगपुर का, रोजली का जो गुजरात में है, राखीगढ़ी, ऐसे ऐसे स्थल मिले हैं जो उत्तर हड़प्पा काल के माने जाते हैं। लेकिन अब आपको हम जनरल एक बताते हैं कि सबसे ज़्यादा मान्यता अभी फिलहाल किसको मिला हुआ है। अभी मिला हुआ है कि इसके काल को देखने के लिए, यहाँ के पुरातत्व को जितने भी निकले हैं अंदर से, उसको देखने के लिए, पुरावशेषों को, उसका काल निर्धारण करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि है, उसका कठिन समस्या है। उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक समाधान ढूंढ लिया है। उन्होंने एक कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करके वह ज्ञात करते हैं कि कितना पुराना वह चीज़ है, वह अवशेष कितना पुराना है। इसके लिए कार्बन 14 के प्रयोग में लाते हैं। कार्बन 14 जो होता है वह एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 C12 ये तो नॉर्मल है, लेकिन कार्बन 14 जो होता है वह रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिव कोई भी पदार्थ होगा तो वह स्वयं ही टूटता फूटता रहता है और उसका क्षय होते रहता है। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करें तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। मान लेते हैं कोई स्टोन है, कोई पत्थर है या कोई हड्डी है, उसका हमको आयु ज्ञात करना है कि कितना पुराना है। तो क्या होता है उसमें कि कोई भी, मान लेते हैं एक पत्थर है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन है, और अगर सन लाइट है, यहाँ पे सन, इसका लाइट जब इस पे पड़ेगा, इस नाइट्रोजन पे, तो वह C14 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन C14 में कन्वर्ट हो गया, C14 में कन्वर्ट होते जा रहा है, होते जा रहा है। मान लेते हैं कि C14 का लगभग 20 परमाणु इसके अंदर में बन गया, और 20 परमाणु जब इसके अंदर में बन चुका है तो कहा जाता है कि उसके बाद अगर इस पे मिट्टी आकर के जमा हो जाती है, ये जमीन के अंदर में किसी कारण से धंस जाता है, तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगा। अब उसको सनलाइट नहीं मिला तो 20 अणु जो ऑलरेडी इसमें बन चुके हैं वह बना रहेगा, उसके बाद उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा, वह टूटना शुरू कर देगा, क्योंकि बन तो नहीं रहा है अब, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का गुण ही होता है क्षय होते जाना, तो क्षय होते जाएगा। और कहा जाता है कि अगर यह स्टोन 20 अणु को जो अपने पास रखे हुआ है, अगर इस बाद में अगर ये पता लगे कि इस स्टोन के अंदर में सिर्फ 10 ही बचा हुआ है, 10 कार्बन के परमाणु बचे हुए हैं, तो माना जाएगा कि यह स्टोन लगभग 5700 साल का है, क्योंकि आधा होने में लगभग 5700 साल लगते हैं। अगर मान लेते हैं कि 5 ही उसमें कार्बन C14 बचा हुआ है, 5 ही, तो कहा जाएगा कि यहाँ से 5700 साल तो लगा ही, साथ ही साथ फिर 10 से 5 होने में फिर यहाँ पे 5700 साल लगेंगे, 5700 साल। अब 5700 साल के बाद 5 होगा, फिर 2.5 होने में फिर 5700 साल लगेंगे। इस तरह से आयु का निर्धारण किया जाता है। लेकिन यह विधि भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, एकदम एग्जैक्ट ये भी डेट नहीं बता पाता, ये भी अनुमान से ही डेट बताता है। इसीलिए सिंधु घाटी के सभ्यता के में बहुत सारे विद्वान हुए जो अपने अपने अनुसार डेट उसने बताया, और लेकिन यह सबसे सर्वमान्य है, इसलिए हम लोग इसको मान के चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सभ्यता विकसित कैसे हुई, इतनी विशाल सभ्यता के आखिर ओरिजिन होने के पीछे का रहस्य क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मानव की उत्पत्ति जो हुई है वो है अफ्रीका में हुई है। ये तो आप देख रहे हैं, इस मानचित्र पर भी आप देख पाएंगे, अफ्रीका में घने घने जंगल में। बाद में वह सवाना वाला क्षेत्र में आ जाते हैं, और सवाना के क्षेत्र से उसके बाद जब सूखा पड़ता है, पारिस्थितिक बदलता है, और इनको खाने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, तो यहाँ से वो माइग्रेट करते हैं। और कहा जाता है कि आज से यहाँ से चलते चलते 70,000 साल पहले वह भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। वो कहाँ पर आते हैं, इस क्षेत्र से चल करके वह पश्चिमोत्तर भाग में आते हैं 70,000 साल पहले। इसीलिए उसको कहा जाता है फर्स्ट इंडियन, उसको फर्स्ट इंडियन की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ कहा जाता है कि एक लहर तो जो पहले आया यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे वह शिकार कर रहा था, कहीं ना कहीं पे फूड गैदरिंग का काम कर रहा था, और उन्होंने गांव वगैरह नहीं बसाया, वो अभी भी गैदरिंग का ही काम कर रहे थे, लेकिन प्रवेश हो चुका था इस क्षेत्र में मनुष्यों का। साथ ही साथ कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि नहीं, उससे भी बहुत पहले भारत में मानव रहता था। कहा जाता है कि इस पोतवार वाला क्षेत्र में जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे 22 लाख पुराना एक जीवाश्म मिला है, जिससे ये साबित होता है कि होमोसेपियंस जो है, होमोसेपियंस के जो पूर्वज है वो यहाँ पे रहते थे,
साथ ही साथ नर्मदा के घाटी में, जो नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, आप देख रहे हैं कि यहीं पे है, और वो अरब सागर में गिरती है, इसके आसपास में 7 लाख साल पहले भी नर कंकाल मिला है, कहा जाता है रामा पिथेकस और शिवा पिथेकस का कंकाल मिला है। तो इससे ये साबित होता है कि मानव यहाँ पहले से ही था, लेकिन हम लोग एक फर्स्ट इंडियन का कॉन्सेप्ट है कि आज से 70,000 साल पहले जो है वह एक मानव आया था जो इंडिया के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में घूमता था, शिकार करता था और अपना जीवोपार्जन इसी तरह से काम करता था वो। साथ ही साथ आज से कहा जाता है कि 7-8 हज़ार साल पहले ईरान से, जो कि ईरान आप देखेंगे कि यहाँ पे इराक के जस्ट बगल में एक क्षेत्र है, वहाँ पे एक पर्वत है जैगरोस पर्वत, उसके आसपास से लोग आते हैं और पश्चिम में आकर के यहाँ पे सबसे पहले बसते हैं। कहने का मतलब है कि वो सबसे पहले कहाँ बसते हैं, मेहरगढ़ में, वो इधर से आते हैं यहाँ पे बसते हैं मेहरगढ़ में, और वहाँ पे सबसे पहले गांव की स्थापना करते हैं। किसके साथ मिलकर के, जो ऑलरेडी 70,000 साल पहले आए हुए हैं उसके साथ मिलकर के, कहा जाता है उनके साथ उनका एसिमिलेशन हो जाता है और वहाँ पे गांव का निर्माण वो सबसे पहले करते हैं, और धीरे धीरे वह पशुपालन का भी काम करने लगते हैं। कुत्ता तो पहले से ही पाला जा रहा था, वह और भी कई जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं, बैल वगैरह को पालना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे यहाँ सभ्यता का एक बीज पड़ता है, और वहाँ से जब ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन करते हैं, तो ज़्यादा जो उपज हो गया तो उसको बेचने के लिए कहीं ना कहीं एक स्थल चाहिए होता है, और उसको बेचने के लिए एक जगह चाहिए, एक मार्केट बनाना पड़ेगा, ताकि सारे लोग जो अपने अधिक जो अधिशेष उपज हुआ है उसको बेचने के लिए वहाँ रखेंगे, तो जहाँ पे वह रखते हैं वो मार्केट बन जाता है, और मार्केट में देखते देखते धीरे धीरे और भी कई सारी दुकानें खुल जाती है और उस जगह का विकास होने लगता है, और कहा जाता है उसी नाभि से, उसी निकुली से धीरे धीरे एक शहर का विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शहर का विकास तो ऐसे ही हुआ है, पहले ग्रामीण क्षेत्र होता है, फिर छोटे से शहर के रूप में होता है, फिर एक बड़े शहर में तब्दील हो जाता है, तो ऐसे ऐसे शहर का विकास होता है, और यहाँ भी इसी तरह से होता है। मेहरगढ़ एक जगह है, वहीं पे सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई नवपाषाण काल में, ये लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग करते हैं, बाद में ही विकसित जब हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच करके वहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग करने लगते हैं, तो इस तरह से चीज़ों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो इसको मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि जो उत्पत्ति हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसके पीछे दो सिद्धांत है जो विद्वान समझते हैं। पहला एक सिद्धांत है कि विसरण सिद्धांत, एक विसरणवादी लोग है जो कहते हैं कि मोहन, ये जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, जो सुमेरु सभ्यता के लोग हैं, वो जो है वह आकर के सबसे पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम क्षेत्र में जाकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेवलप करते हैं, वही शहर का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ से चलते हैं तो अपने साथ बहुत सारे हथियार वगैरह और अपने साथ जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उसको ले कर चलते हैं, और साथ ही साथ अपने दिमाग को भी ले कर आते हैं, चूँकि यहाँ ऑलरेडी शहर का विकास हो चुका था, और वह तकनीक लेकर के यहाँ पर प्रसारित कर देते हैं, और इससे यहाँ भी टाउन का विकास हो जाता है। लेकिन यह मूलतः गलत सिद्धांत है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि आप जब देखेंगे यहाँ के शहर को और मेसोपोटामिया की सभ्यता की तुलना करेंगे, तो मेसोपोटामिया की जो शहर है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन की तुलना में छोटे है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्रफल भी छोटा है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, अब ये ज़्यादा विकसित है, ये कम विकसित है, यह शांति प्रिय है, यहाँ पे युद्ध वगैरह भी हो जा रहा है, तो देखेंगे कि एकदम बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। तो जब एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं तो विकास फिर कैसे हो जाएगा, वहाँ के लोग आकर के यहाँ कर देंगे, तो इस तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन अब इसको मान्यता ज़्यादा मिला नहीं है। दूसरा सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि यहीं पे लोग आए होंगे वही 70,000 साल पहले और 7,000 साल पहले, वो दोनों आपस में मिलकर के मेहरगढ़ वाला क्षेत्र में वहाँ पे ग्रामीण सभ्यता का विकास किया होगा, धीरे धीरे वो शहरी सभ्यता में कन्वर्ट हो गया होगा। पहले क्रांति कृषि में हुआ होगा, क्योंकि कृषि के में ही क्रांति हुआ, तभी जा कर के शहर का विकास होता है, और शहर जब विकास होते हैं तो धीरे धीरे और जटिल शहर बनते जाते हैं और ज़्यादा विकास होते जाता है। तो विकासवादी सिद्धांत ये कहता है, ये स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने का कॉन्सेप्ट बताता है। तो मुझे भी लगता है पर्सनली कि स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने का सिद्धांत शायद सही है, और इसी तरह से शहरों का विकास होता है। अब हम आपको बताते हैं कि नगर योजना का प्लानिंग अगर कहीं था तो वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में,
और देखिए इसमें क्या क्या बने हुए थे, नगरों में दुर्ग बने रहते थे। दुर्ग का मतलब ये होता है कि शहर के चारों तरफ से एक रक्षा के लिए उसका दुर्ग बना दिया जाता है, जिसपे सैनिक वगैरह तैनात कर दिए जाते हैं ताकि शहर की रक्षा हो सके। ये लोग युद्ध लड़ते नहीं थे लेकिन अपने रक्षा का बंदोबस्त करके रखते थे। साथ ही साथ वहाँ की जो शहरें मिली है वो ग्रिड प्रणाली में मिली है। ये मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि सड़कें इस तरह से है, सीधा सीधा एकदम सीधा सीधा इस तरह से। पहले सड़कें बनाई जाती थी, नाली बनाई जाती थी, फिर घर बनाया जाता था और उसके बाद जो है वहाँ पे लोगों को बसाया जाता था। इस तरह से एक प्लान्ड सिटी के रूप में बनाया जाता था। ऐसी व्यवस्था विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता में थी, बाकी जगह पर के बहुत नगण्य है। ये मेसोपोटामिया में तो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे प्लानिंग करके शहर ही नहीं बनाया जाता था, इसलिए गंदगी का अंबार लग जाता है यहाँ पे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर होते हैं बहुत स्वच्छ होते हैं, बहुत साफ होते हैं, ये साफ सुथरा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, नाली की व्यवस्था एकदम सही रखते थे कि गंदगी इधर उधर न फैले। साथ ही साथ कर संग्रह प्रणाली भी इनका बहुत बेहतरीन था। शहर को जिंदा रहने के लिए कर का वसूला जाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसके टैक्स के पैसे से वेलफेयर का काम भी किया जाए। कहा जाता है कि कर प्रणाली इसका दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रणाली था। भारत में कर सुधार धीरे धीरे हुआ है और कहा जाता है कि हमने GST भी लागू किया कर सुधार के लिए, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कर का जो निर्धारण था वो इतना साइंटिफिक था और इतना अच्छा था कि इसी कारण से ये 600-700 साल तक ये जो शहर है ये विकसित होता रहा, फलता फूलता रहा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो इतने भी ईंट का प्रयोग किया गया है वो सब के सब पक्की है। मेसोपोटामिया में कच्ची ईंट का प्रयोग होता है, वहाँ लकड़ी ही नहीं है जलाने के लिए, इसलिए ईंट को वह पकाते नहीं है, सीधे सीधे कच्चे इस्तेमाल कर देते हैं। पूरा तो देख रहा है कि अगल बगल में शुष्कता वाला क्षेत्र है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी भले ही शुष्कता है लेकिन उस समय शुष्कता नहीं थी। आज से 5000 साल पहले यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हुआ करता था, सिंधु घाटी में तो बाढ़ें आ जाया करती थी और इसी कारण से हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो इसके आसपास वाला क्षेत्र हरा भरा था और अगल बगल में वृक्ष वगैरह भी थे, खेती भी अच्छा होता था। और चूंकि वृक्ष ज़्यादा थे इसलिए वृक्ष को काट करके ईंटों को पकाने के लिए वहाँ से व्यवस्था कर लिया जाता था, इसलिए यहाँ के ईंटें पक्की है और मंजिलें भी 2 मंजिलें तक मकान बना दिए जाते थे और फर्श को भी कहा जाता है कि नीचे से ईंट वगैरह लगाते थे। और अधिकांश घर जो है कहा जाता है कि ये रोड के सामने नहीं खुलते थे, उसके पीछे खुलते थे। हालांकि लोथल में कुछ ऐसे मकान मिले हैं जो रोड के सामने भी खुल रहे हैं। अब बताते हैं कि सबसे विशाल और सबसे भव्य एक जगह है, एक स्थापत्य का समझिए कि नमूना है, वो है स्नानागार। यहाँ पे स्नानागार मिला है जिसको बोलते हैं ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा बाथ मिला जिसमें सामूहिक स्नान किया जाता था। कहा जाता है कि वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए उस तरह के बाथ का आयोजन करवाया जाता था और वहाँ पे सामूहिक रूप से स्नान करके पूजा पाठ किया जाता था, तो वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन स्नानागार मिला है। साथ ही साथ अन्नागार मिला है, अन्नागार भी ये मोहनजोदड़ो में भी मिला है और आपका ये हड़प्पा में भी मिला है। और अन्नागार में जहाँ पे अन्न रखा जाता था, बड़े बड़े कोठरी टाइप के बनाए जाते थे, उसमें अन्न को भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखा जाता था ताकि विपत्ति में के समय जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके। देखिए कितनी बेहतरीन व्यवस्था है। जल निकास प्रणाली तो इसका इतना बेहतरीन था कि आधुनिक शहरों को इससे सीखना चाहिए कि किस तरह से जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए। नहीं कि बरसात आए तो पूरी तरह से है मेढक उधर इधर उधर दौड़ रहा है और गंदा का पानी जो है वो घर के अंदर में पहुँच गया। अभी देखिएगा टाउन में कहीं कहीं पर रोड ऊँचा है, नाली ऊँचा है और घर नीचा है, जैसे ही थोड़ा सा पानी आता है वो घर के अंदर में जाकर बह जाता है। तो ऐसे लोगों टाउन प्लानर को सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन से सीखना चाहिए। साथ ही साथ देखेंगे आप जल निकासी जो प्रणाली है मोहनजोदड़ो में बहुत ही बेहतरीन ढंग का बनाया गया है। अब देखते हैं हम कृषि। कृषि में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में आजकल कृषि काफ़ी कम हो रही है क्योंकि यहाँ शुष्कता बहुत अधिक हो गया। अभी यहाँ 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इस तरह से खेती करना मुश्किल है। यहाँ तो देखेंगे कि थार का एक मरुस्थल फैला हुआ है पूरा का पूरा, और तो कैसे होगा खेती यहाँ पे। लेकिन शहर का कैसे डेवलपमेंट हो गया उस जमाने में, तो कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, जलवायु में परिवर्तन हुआ है। जिस समय यह शहर था उस समय की जलवायु यहाँ थोड़ी सम थी और यहाँ अधिक मात्रा में वर्षा हुआ करता था आज की तुलना में। और कहा जाता है कि वर्षा के कारण इस नदी में बाढ़ भी आया करता था, सिंधु नदी में, और उस नदी में बाढ़ आने के कारण इस क्षेत्र को उपजाऊपन बनाए रखा जाता था। उसके बाढ़ में जो होता है जलोढ़ मिट्टी, वो हर साल नए नए जलोढ़ जब जमते हैं
तो जमीन को उर्वर कर देते हैं, तो ये जमीन को उर्वर कर देते थे और इसके कारण यहाँ के लोग आराम से खेतीबाड़ी कर लेते थे। साथ ही साथ अभी आप देखेंगे कि ये हाकरा और घग्घर भी सूखा हुआ है, आप देखेंगे कि सरस्वती तो गायब ही है, तो उस जमाने में कभी बहती थी लेकिन धीरे धीरे नदियों ने भी अपना पूरा एक प्रणाली को शिफ्ट कर लिया या फिर विलुप्त हो जाए, ऐसे होते भी रहता है, नदियाँ भी जन्म लेती है और वह भी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उस समय गेहूं की खेती बड़ा होता था, जौ की खेती होता था। गेहूं जो है ना, गेहूं एक तरह से ऐसा फसल है जिसको उपजाने के लिए बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने गेहूं उपजाया है तो आप बाहर जा नहीं सकते हैं, आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, उसको समय पर सिंचाई करना होगा, उसको खाद पानी देना होगा, खरपतवार से रक्षा के लिए काम करना होगा, कहीं कोई कीट न लग जाए उसके लिए दवा का छिड़काव करना होगा, कोई जानवर न चढ़ जाए उसका व्यवस्था करना होगा, आंधी पानी से भी उसका खतरा होता है उसको भी देखना पड़ेगा, समय से उसकी कटाई करनी होगी, समय से निराई गुराई सिंचाई करनी होगी। तो गेहूं एक तरह से लोगों को बांध के रख दिया एक ही जगह पे कि भैया अब आप यहीं पे रह करके अपना विकास करो। तो धीरे धीरे लोग जो इधर उधर जो घुमंतु टाइप के थे वो धीरे धीरे एक जगह बस करके उन्होंने एक क्रांति ही पैदा कर दिया। कहा जाता है गेहूं का बहुत बड़ा योगदान है शहर के क्रांति पैदा करने में, शहरीकरण करने में। साथ ही जौ का खेती करते थे और खेत को जोतते थे, लकड़ी का हल वगैरह मिला है हड़प्पा में तो वहाँ से जैसे लगता है कि वो जोतने के लिए या तो हड्डियों का प्रयोग करते थे या फिर लकड़ी का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ लोथल में चावल की भी खेती का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ इस एरिया में कपास की खेती होती है, कहा जाता है कि पहला कपास की खेती का प्रमाण इसी जगह मिलता है, इसीलिए इसको सिंडन भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको सिंडन कहा गया है। साथ ही साथ इस जगह को एक मेलू सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हड़प्पा और ये जो पूरा का पूरा लोथल वगैरह है, इस जगह से मेसोपोटामिया का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था और मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो तो पढ़ ली गई है, तो उस लिपि में कहा जाता है कि इस क्षेत्र को मेलूह कहा गया है। मेलूह का मतलब होता है श्रेष्ठ लोगों की सभ्यता, तो सोचिए कितने श्रेष्ठ लोगों की सभ्यता थी। तो और सामाजिक वर्ग किस तरह का था, राजनीतिक वर्ग किस तरह का था, आर्थिक वर्ग किस तरह का था, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक वर्ग किस तरह का था। देखिए समाज जो है वह विभाजित था, कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक शासक वर्ग था, एक व्यापारी था, एक शिल्पी था, एक कारीगर का वर्ग था, एक योद्धा का वर्ग था, एक कृषक का वर्ग अलग था और एक श्रमिक और दास का एक अलग वर्ग था। किसी भी शहर को चलाने के लिए इस तरह से हमको श्रम विभाजन करना पड़ता है, नहीं तो वह व्यवस्था टिक नहीं पाएगी। अब इतने दिन तक अगर वह 600 साल तक लगातार शहर के रूप में अपने आप को बचा के रखे हुए थे तो उसमें इस तरह की चीज़ें को रखना बहुत ज़रूरी है। सब लोग अपना अपना काम करते थे और इसी तरह से शहर का संचालन होता था। ये जो इसमें दयनीय स्थिति जो थी वो श्रमिक और कृषक वाले लोगों का हमेशा से ही रहा है। हालांकि कहा जाता है कि इसमें कृषक भी लगभग ठीक ठाक स्थिति में थे, लेकिन ऐसा बहुत ही कम प्रमाण है जिसके आधार पर हम कहेंगे कि कृषक एकदम सही स्थिति में थे, क्योंकि दुनिया में हमेशा ऐसा होता रहा है कि कृषक कभी भी खुशहाल नहीं रहे हैं। जब से मानव ने घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को छोड़ करके, फूड गैदरिंग को छोड़ करके फूड प्रोड्यूसिंग अपना लिया, कृषि करना शुरू किया, तो कुछ खास वर्ग के लोगों ने तो खूब फायदा उठाया लेकिन अधिकांश लोगों को हमेशा इससे नुकसान ही हुआ। और वो हमेशा खेती करते रहे, फसलें उपजाते रहे, धूप में खटते रहे, जी तोड़ मेहनत करते रहे और गरीब के गरीब और निर्धन के निर्धन ही बने रहे हैं। आज भी किसान की स्थिति देख लीजिए, तो उस जमाने में भी आप देख रहे होते हैं, उस जमाने में तो खेती लोग जो करते थे उसी के ऊपर बाकी लोग पलते थे, जो व्यापारी हो, शिल्पी हो, कारीगर हो, शासक वर्ग हो, ये सब अन्न तो उपजाते नहीं थे, तो किसका अन्न खाते थे, किसान का उपजाए हुआ अन्न खाते थे। अब ये ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तभी इनका ज़िंदगी चल सकता था, तो इसीलिए किसान कहा जाता है कि एग्रीकल्चर में जब क्रांति हुआ तभी शासन पैदा होता है, तभी शासक वर्ग पैदा होते हैं, तभी शहर पैदा होता है, व्यापारी वर्ग पैदा होते हैं, इतिहासकार पैदा होते हैं। इतिहासकार को भी लिखने के लिए खाना चाहिए और वह जाके खुद ही कृषि नहीं करता है, वह कहीं ना कहीं से उपजाया हुआ चीज़ को ही लेता है और उसको खाता है, तब जा करके मोटी मोटी किताबें लिख पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो कृषक थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में थे, लेकिन उनको ज़्यादा शक्तिशाली वर्चस्व हासिल नहीं था समाज में। समाज में ज़्यादातर व्यापारी लोगों को चलता था,
वणिक लोगों का चलता था ऐसा प्रमाण मिलता है। साथ ही देखिए वो मातृसत्तात्मक समाज था, वहाँ पे माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दिया जाता था, क्योंकि बहुत सारे मूर्ति मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वहाँ पे मातृदेवी की पूजा की जाती है। साथ ही वो लोग शांति प्रिय थे, युद्ध लड़ते नहीं थे, कोई ऐसा बर्छा कटारी और इस तरह से चीज़ें मिली नहीं है जिसके आधार पर कहे कि वो आक्रामक प्रवृत्ति के लोग थे या युद्ध लड़ते थे। वो सिर्फ अपने रक्षा के लिए कुछ हथियार को बनाए हुए थे और शिकार करने के लिए कुछ हथियार को बनाए हुए थे, न कि दूसरे को मारने के लिए। साथ ही साथ वो लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, मांस भी खाते थे। वो आभूषण पहनते थे, काफ़ी गहनों का इस्तेमाल करते थे, सीपी वगैरह का गहना बनाते थे। वो जुआ हुआ खेलते थे, पासा खेलते थे, नाच गान से अपना मनोरंजन करते थे, मुर्गा को लड़ाते थे, इस तरह से चीज़ों को करते थे। साथ ही साथ वो धार्मिक जीवन किस तरह के था, तो धार्मिक जीवन में कहा जाता है कि स्त्री मूर्ति काय मिली है हड़प्पा के काल में, तो कहा जाता है कि वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मातृदेवी की पूजा करते थे। साथ ही एक मूर्ति मिला है जिसको कहा जाता है पशुपति शिव का एक मूर्ति मिला, लेकिन पशुपति शिव है कि एक साधारण व्यक्ति है ये तो कोई नहीं जानता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वह किसी बुद्ध का वहाँ पे आइडल मिला है। कहने का मतलब है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि एक बुद्ध नहीं बल्कि 28 बुद्ध पैदा हुए हैं और उसी में से एक बुद्ध है उनका जो आकृति है जिस तरह से उस पर वो दावा करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पशुपति शिव का है, मोहनजोदड़ो में मिला है। और कहा जाता है कि आदि काल में लोग शिव की पूजा करते थे, लेकिन ऐसा कोई निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। साथ ही उर्वरता की देवी एक स्त्री है जिसके पेट से एक वृक्ष को निकलते हुए दिखाया है, तो कहा जाता है कि उर्वरता की देवी उसको माना गया है, तो उसकी भी पूजा होती थी ताकि उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये लोग अंधविश्वासी भी थे, ये लोग इस तरह से चीज़ों को करते भी थे। साथ ही साथ कुबर वाले बैल की पूजा भी करते थे, इसका बहुत वैल्यू मिला है सांड वगैरह का। साथ ही साथ फाख्ता नाम की एक पक्षी है कहा जाता है, इसकी भी पूजा करते थे ये लोग। साथ ही साथ वृक्ष पूजा करने का भी कई जगह प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ मंदिर नहीं मिला है, कोई मंदिर नहीं मिला है, जबकि मेसोपोटामिया में मंदिर मिले हैं, यहाँ जिगुरत कहा जाता था उसको। साथ ही साथ वो जो समाधान की जो विधि थी वो किस तरह से था, वहाँ के लोग जब मरते थे तो दफनाने की भी वहाँ पे चल रहा था प्रचलन, कुछ जगह पे जलाने का काम होता था, लाशों को जला दिया जाता था और कहीं कहीं पे लाश को छोड़ दिया जाता था, उसको पक्षी वगैरह खा लेते थे, बाद में उसको जो अंग बचता था उसको जला दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इससे जो है वो लोग अपना फर्ज अदा करते थे कि चलिए इससे हमारी प्रकृति के प्रति एक कर्ज है जिसको अदा करते थे। तो इस तरह से प्रचलन था दफनाने का भी, जलाने का भी और आंशिक समाधान का भी, समाधिकरण का भी प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी की सभ्यता में। साथ ही राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन किस तरह से, निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे किसी पुरोहित वर्ग का कोई वर्चस्व नहीं था क्योंकि मंदिर ही नहीं मिला है। साथ ही साथ वहाँ अस्त्र शस्त्र भी नहीं मिले हैं, तो वो लोग युद्ध भी नहीं लड़ रहे हैं, राज्य का विस्तार भी नहीं कर रहे हैं। साथ ही वणिक वर्ग के बारे में कहा जाता है कि वही वहाँ वर्चस्वशाली थे, शक्तिशाली थे। और भी हम देखते हैं कि वस्त्र उद्योग के पर आधारित था, वस्त्र ये लोग खूब बेचते थे, ये मेसोपोटामिया वाले इजिप्ट वाले को, और इससे खूब वो धन कमाते थे। साथ ही गुड़िया का मनका, गुड़िया वगैरह खूब बेचते थे, उसका भी प्रमाण मिला है इस सिंधु घाटी सभ्यता में। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। व्यापार जो होता था मुख्यतः इराक के साथ, दजला फरात ईरान और बहरीन के साथ और मिस्र के साथ होता था, ये भी आप जानते हैं। साथ ही साथ लाजवर्त जो है वो बदख्शां से मंगाया जाता था, और सोना है जो कोलार से मंगाया जाता था। कोलार तो भारत में ही, कर्नाटक में यहाँ पे है कोलार, यहाँ पे सोना निकलता है और यहाँ से सोना जो है इस क्षेत्र में मंगाया जाता था। साथ ही साथ टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, टीन का तो अभाव है भारत में, तो इसलिए अफगानिस्तान से मंगाते थे ताकि उसको तांबा के साथ मिला के कांसा बनाया जा सके। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि एस्टेटाइट ईरान से मंगाया जाता था, और तांबा जो है खेतरी जानते हैं राजस्थान में है, वो खेतरी का यहाँ पे बहुत तांबा का बहुत बड़ा वहाँ पे खनन होता है और वहाँ से मंगाया जाता था तांबा, और इस तरह से वो लोग व्यापार करते थे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मुहरे और बाट जो है मुख्यतः सेलखड़ी के बने होते थे या चर्ट नामक पत्थर के बने होते थे, और उसमें 16 के आवर्तक में होते थे, 16 के आवर्तक में। ये तो बहुत हाल तक चलते रहा है कि एक आना एक रुपया में कितना 16 उसका गुणज के आधार पे होता था। साथ ही साथ मुहरे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुई है, लगभग 2000 मुहरे प्राप्त हुई है सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लिपि किस तरह का है। देखिए लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है,
सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि को अभी तक सफलता ही नहीं मिली है, जबकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो और मिस्र की जो सभ्यता है वो वहाँ की जो लिपि है उसको पढ़ लिया गया है और उसी के आधार पे हम लोग काफ़ी अनुमान लगाते हैं। जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता का उसको कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि या वुस्त्रोफेंदम लिपि, इसको बोलते हैं वुस्त्रोफेंदम लिपि। देखिए यह जो लिपि है ना वो इस तरह का लिपि है कि इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। एक तो इसमें जो जो अक्षर का है वो काफ़ी छोटा छोटा अक्षर है, काफ़ी छोटा छोटा इस तरह से अक्षर का प्रयोग किया गया है और उसमें ज़्यादा अक्षर भी नहीं है और एक ही साथ कम से कम तीन अलग अलग लिखावट नहीं मिला है, जहाँ भी मिलता है उस पर कम ही चीज़ लिखा हुआ होता है, तो सबको मिला करके पढ़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है और उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। जबकि मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्रमाण मिल गए जहाँ पे तीन अलग अलग लिखावट था जिसके कारण उसको पढ़ना थोड़ा आसान हो गया और उसको पढ़ लिया गया है। तो यहाँ की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया, इसीलिए ज़्यादा विवाद होता है, लोग तरह तरह से अनुमान लगाते हैं कि ये है तो वो है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिस्ट्री को अभी जानना बाकी। स्थल को देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। देखिए हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है, वो पहले ही आपको बता दिया, 1921 में उत्खनन हुआ, दयाराम साहनी ने उसको खोला, वहाँ से क्या क्या मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह मतलब इस तरह से एक चिन्ह बना होता था, इस तरह से इसको बोलते हैं स्वास्तिक का चिन्ह, ये मिला है। बाद में तो नाजी और जर्मनी वालों ने इसको अपना पूरा आइकन ही बना लिया था, ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ 6 अन्नागार मिला है अन्न को रखने के लिए, 1 श्रृंगी पशु, देखिए इसको बहुत ही पवित्र पशु माना जाता है, ये काल्पनिक पशु है कहा जाता है इसको, एक उसके सिंह होता था उसके ऊपर से, उसको यूनिकॉर्न बोला जाता था, कहा जाता है कि एक प्रकार से काल्पनिक पशु है, उसको बहुत पवित्र माना जाता था मोहनजोदड़ो में। साथ ही 2 कमरे वाला बैरक मिला है जिसमें श्रमिक लोग रहते थे, श्रमिकों के लिए अलग मकान होता था और जो उच्च क्वालिटी के लोग थे, जो हाई क्लास के लोग थे, उनके लिए थोड़ा अलग था, ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था उसको, और जो लोअर लेवर ग्रेड के थे उसको उसका घर जो है निचले क्षेत्रों में बनाया जाता था। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो में क्या मिला वो देखिए, मोहनजोदड़ो में एक पुरुष देवता मिला है जिसको पशुपति कहते हैं, उसमें वो आसन लगा के बैठे हुए हैं, उसमें देखिए कि हाथी बाघ गैंडा भैंसा हिरण ये सब मिलता है उसके 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 पिक्चर में उसके साथ साथ। साथ ही साथ एक विशाल स्नानागार मिला है जिसमें सामूहिक रूप से लोग स्नान करते थे धार्मिक रूप से, ये भी आपको हमने बताया है, अन्नागार वहाँ भी मिला है। कुबर वाला बैल मिला है, कुबर वाला बैल को भी पवित्र मानते थे ये लोग। कांसे की नर्तकी मिली है, नर्तकी जो नाच उच करने वाली है, नंगी तस्वीर मिली है, कांसे की नर्तकी भी मिली है। साथ ही साथ सूती वस्त्र का प्रमाण यहीं से मिला है। और देखिए कालीबंगा में क्या मिला है, कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले हैं, और कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियों का स्थान। आप देखते हैं कि काली चूड़ी जो है राजस्थान वाला क्षेत्र में ये है, और इसको याद करने का फॉर्मूला है कि बीवी मांगे काली चूड़ी एक के थापर मारो, तो वो फॉर्मूला है, बीवी मांगे काली यानी कि चूड़ी कौन पहनेगी, कोई ना कोई महिला पहनती है, काली चूड़ी यानी काली चूड़ी से याद रहेगा कालीबंगा, एक के थापर, तो इसको बी के थापर ने खोजा था, इसीलिए हमने वहाँ बनाया कि एक के थापर, बी के थापर ने इसको खोजा था। और यहाँ पे जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, साथ ही साथ काले रंग की चूड़िया यहाँ तो बता ही दिए, युगल सवाधान मिलता है यही कालीबंगा में। युगल सवाधान का मतलब है कि उसमें महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, कहा जाता है कि शायद सती प्रथा वाली स्थिति यहाँ पे चल रहा था, तभी तो पुरुष मर गया तो उसके साथ महिलाओं को भी दफना दिया गया, तो सती प्रथा का प्रमाण यहाँ मिलता है। साथ ही साथ अग्निकुंड, वहाँ पे अग्निकुंड मिला है, कहा जाता है कि उसकी पूजा वगैरह लोग करते होंगे या फिर कोई दूसरा कारण होगा, यहाँ चूल्हा भी हो सकता है साधारण से। लोथल है, लोथल तो आपको पता है कि गुजरात वाला तट में हमने आपको बताया था यहाँ पे कि गुजरात वाला जो एरिया है यहाँ पे लोथल मिला है, ये एक प्रकार का बंदरगाह था, और यहाँ पे इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा विकास हो गया था क्योंकि बंदरगाह था। यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे एक घड़ा मिला है, मृदभांड मिला है जिसमें पंचतंत्र की कहानी बताता हुआ चलाक लोमड़ी का एक कहानी उसमें प्रतीत होता है कि इस तरह से इसमें उत्कीर्ण की गई है। पंचतंत्र की कहानी आपको पता होगा, चलाक लोमड़ी जिसमें एक लोमड़ी होता है जो काफ़ी चलाक होता है, उसको भूख लगा होता है तो वह कौआ को कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो, और कौआ जैसे ही मुँह खोलता है तो उसके मुँह से जो मांस का टुकड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है, लोमड़ी उसको खा लेता है, तो इस तरह से एक चलाक लोमड़ी की कहानी कहता है। साथ ही साथ फारस की मुहरें मिला है,
वहाँ भी मुहर मिला है, मुहर को पढ़ा भी गया है। तो इससे पता लगता है कि भारत और फारस के बीच में बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध। चंद्रमुद्रों से जो है वो झोंकर झांकर संस्कृति का प्रमाण मिलता है। कहने का मतलब जब सिंधु सभ्यता का अंत हो रहा था, जब सिंधु सभ्यता समाप्त हो रही थी, तो उसके बाद झोंकर झांकर संस्कृति की शुरुआत होती है और उसका प्रमाण चंद्रमुद्रों में मिलता है। चंद्रमुद्रों कहाँ है? पाकिस्तान में ही है, आपको पता है। और मनके का कारखाना बनाना, मनके बनाने का जो कारखाना है वो चंद्रमुद्रों में मिला है। और साथ ही साथ लिपस्टिक भी मिला है। लिपस्टिक उस जमाने की भी महिलाएं यूज करती थी, अभी भी यूज करती है। तो लिपस्टिक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, वो उस समय भी यूज होता था। साथ ही साथ कांसे की बैलगाड़ी भी मिला है। तो कहा जाता है कि बैलगाड़ी का प्रयोग वो वाहन के रूप में करते थे, परिवहन के रूप के लिए करते थे। तो कांसे की बैलगाड़ी वहाँ मिला है, कहाँ पर? चंद्रमुद्रों में। अब देखिए कि वहाँ क्या नहीं मिला है। लोहा नहीं मिला, लोहा से परिचय नहीं था इनका। ये लोहा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे। ये कांसे का प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग करते थे, टीन का प्रयोग करते थे, सोना का प्रयोग कर रहे थे, चांदी का प्रयोग कर रहे थे, लाजवर्त का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यह लोहा से परिचित नहीं था इनका। इस बात को याद रखे रहिएगा, लोहा से परिचय बाद में होता है। वो जब इनका पूरा विनाश हो जाता है, दूसरी संस्कृतियों को होता है, इनको नहीं होता है। साथ ही ये लिंग पूजक है और मूर्ति पूजक भी है। ये लिंग पूजक भी है, मूर्ति पूजक भी है, मूर्ति बनाकर पूजते हैं। लेकिन अगर इसकी तुलना हम वैदिक सभ्यता के लोगों से करें तो वैदिक वाले लोग प्रकृति पूजक है, लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक है। साथ ही साथ ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं, जबकि वैदिक वाले लोग हैं आर्यन प्रजाति के हैं। साथ ही साथ बर्तन जो है वो मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के इसको देखने को मिलता है। इस सभ्यता के लोग ज़्यादातर वही करते थे, लाल रंग के बनाते थे, गुलाबी रंग के, और उस पर चित्रकारी भी करते थे काले रंग से। तो इस तरह से प्रमुख स्थल को आप समझ पे विचार करते हैं कि इतनी भव्य सभ्यता आखिर विलुप्त कैसे हो गई। और कुछ सभ्यता कहा जाता है कि वह आगे तक भी बहुत दिनों तक चलती रही, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या यहाँ ह्वांगहो नदी घाटी की सभ्यता हो, लेकिन भारत की जो सभ्यता थी वह पूरी तरह पतन हो गया, उसका वो समाप्त हो गया, वहाँ के शहरें खत्म हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे के कारणों को ढूंढने के लिए इतिहासकार सहमत ही नहीं है, सब अपने अपने विचार देते हैं। वो कहते हैं कि बाढ़ के कारण नष्ट हो गया। मैके नाम का और राव नाम का और मार्शल नाम का जो विद्वान है, ये मैके राव और मार्शल साहब, ये कहते हैं बाढ़ के कारण खत्म हो गया। ये जो सिंधु नदी है, वह सिंधु नदी में हर साल बाढ़ आता था और कहा जाता है कि उस समय इतना जोरदार बाढ़ आया कि वहाँ पे हड़प्पा और वहाँ के मोहनजोदड़ो जैसे शहर ही विलुप्त हो गए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हड़प्पा सभ्यता में तो एक शहर थे नहीं, यहाँ तो सात सात शहर है और बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका, और पूरे आलमगीरपुर से लेकर सुटकांगेंडोर और मांडा से लेकर दैमाबाद तक फैला हुआ है। तो सब क्या बाढ़ के कारण ही नष्ट हो गया? नहीं, अलग अलग कारण रहे होंगे। हो सकता है किसी शहर का नष्ट होने का कारण बाढ़ रहा हो, किसी का नष्ट होने के कारण अग्निकांड भी रहा हो, किसी का नष्ट होने के कारण प्राकृतिक आपदा रहा हो, किसी का नष्ट होने के कारण सूखा पड़ गया हो, किसी का नष्ट होने के कारण भूकंप हो, और भी बीमारियां हो सकती है, कोई बीमारी फैल गया हो। आजकल कोरोना फैल गया, उस जमाने में भी कोई ऐसी बीमारी फैल गई होगी, राष्ट्रमय बीमारी, जिसके कारण सभ्यता नष्ट हो गया हो, अकाल पड़ गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मंतव्य दिया है। उसी में देखिए, एक विद्वान तो बोलता है आर्यों के आक्रमण के कारण ये नष्ट हुआ है, तो उसमें व्हीलर और गार्डनर आपके विद्वान है, व्हीलर और गार्डनर। लेकिन यह तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्य जो है ना, आर्य का आगमन भारत में माना जाता है 1500 BC पहले हुआ था, 1500 BC यानी ईसा से 1500 साल पहले जब वो भारत में एंट्री मारते, उससे पहले तो एंट्री ही नहीं मारते हैं। तो कहा जाता है कि, और इसका पतन कब हो गया, इसका पतन कहा जाता है कि 2350 से लेके 1750 BC में इसका पतन ही हो गया। ये आते हैं 1500 BC में, पतन हो गया 1750 में ही, तो फिर ये कैसे नष्ट कर दिए? और कहा जाता है कि इतना शक्तिशाली तो ये नहीं थे कि नष्ट कर देंगे, और नष्ट होने के पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे। लेकिन व्हीलर महोदय अपना तर्क देते हैं, कहते हैं कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, बाहर के लोग जो आए वो युद्ध प्रिय थे, आर्य लोग बड़े युद्ध लड़ने वाले थे, वो घोड़ा पे चढ़ के आए थे और बड़ी युद्ध लड़ते थे, और कहा जाता है कि बड़े हिंसक टाइप के थे, और वो इन लोगों को मार करके भगा
दिया और यहाँ के जो मूल निवासी थे जिसको द्रविड़ कहा गया या जिसको आप कहिए कि मेडिटेरेनियन प्रजाति के लोग हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले ज़्यादातर मेडिटेरेनियन प्रजाति के हैं और द्रविड़ प्रजाति के हैं। तो ये द्रविड़ प्रजाति के और मेडिटेरेनियन प्रजाति को मार करके आर्य प्रजाति ने वहाँ वर्चस्व स्थापित कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने एक नई सभ्यता की शुरुआत की जिसको ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, जिसको ऋग्वेदी कालीन कहते हैं। लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है और ये लगता है कि ये निश्चित रूप से गलत होगा, तो इसलिए इसको भी हम लोग सही नहीं मानते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य ने ही बनाया था, वो भी गलत है। आर्य ने कैसे बनाया था? आर्य का आगमन ही हुआ है कब? और अब जो नया जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, जैसे बायोलॉजी के क्षेत्र में डीएनए रिसर्च हुआ है, उसके आधार पर तो स्पष्ट हो गया कि जो आर्य लोग थे वो मिडिल एशिया में रहते थे, यहाँ पे रहते थे, क्योंकि यहाँ के डीएनए के जो प्रतिलिपि मिला है वह दिल्ली में रहने वाले लोगों के साथ मैच करता है। कहने का मतलब है कि ये लोग मिडिल एशिया से चल के भारत में आए थे, शायद सूखा पड़ा होगा तो ये आ गए अंदर में, धीरे धीरे अंदर में आ जाए। कुछ लोग तो कहते हैं आक्रमण कर दिए, कुछ लोग कहते हैं इन्वेडर थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बहुत बाद में आए। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि आर्य लोग तो 1500 BC में भी नहीं आए थे, बहुत बाद में आए थे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरह के अनुमान लगाते हैं, लेकिन सच्चाई बात यह है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट नहीं हुई है। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा आ सकता है, केनेडी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा आ गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। साथ ही साथ भूकंप आने का कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह क्षेत्र भूकंप प्रभावित भी रहा है। आप इसको मानचित्र में देखेंगे, भूकंपीय मानचित्र में, तो देखेंगे कि यह भूकंपीय क्षेत्र में आता है और काफ़ी खतरनाक जोन में है। जोन 4 वगैरह में ये आपको मिलेंगे, इस साइड में तो जोन 5 में आपको मिल जाएंगे, जो बहुत ही खतरनाक जोन में माना जाता है। तो कहा जाता है कि भूकंप आया और ये सभ्यताएं नष्ट हो गई। साथ ही साथ कुछ लोग विदेशी आक्रमण, फिर वही बात है, गार्डनर चाइल्ड को बोलते हैं कि बाहर के लोग आक्रमण करके नष्ट कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग मान के भी चल सकते हैं, क्योंकि अभी जो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास वाला रीजन को, तो वहाँ सेमी एरिड रीजन है, 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, लेकिन एक जमाने में वहाँ ज़्यादा वर्षा होता था, इसीलिए वहाँ कृषि आराम से हो जाया करती थी, वर्षा पर आधारित होती थी कृषि, तो कृषि हो जाया करती थी, जल की सुविधा मिल जाती थी, इसीलिए तो शहर का विकास हो गया। तो हो सकता है जलवायु में परिवर्तन हुआ हो, तो स्टाइन और घोष ये बोलते हैं। साथ ही एक विद्वान जो है लैब्रिक, उन्होंने तो कहा अस्थिर नदी तंत्र, नदी ने अपना रास्ता ही बदल दिया। ऐसे भी आप जब पूरा इतिहास को पढ़ेंगे तो लगता है कि सिंधु नदी भी जो है वह अपना रास्ता बदली है। साथ ही यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, वो तो विलुप्त ही हो गई, हाकरा और घग्गर जो है वो भी सूख गई है। तो कहने का मतलब यह है कि नदी तंत्र भी अपना रास्ता बदलते रहते हैं और अपने रास्ते को बदल करके कहीं और से बहने लगेंगे, तो वहाँ उनके आसपास जो सभ्यता विकसित हुई वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे लैब्रिक महोदय ने कहा कि ऐसे ऐसे ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो इस तरह से पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अनुमान लगाया है। हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो लोग आखिर गए कहाँ पे? तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ, चाहे बाढ़ से हो, चाहे वो और भी प्राकृतिक आपदा के वजह से हो, वो लोग सारे के सारे मरे नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जब पतन हुआ तो सारे के सारे लोग मर गए होंगे, मरे नहीं थे, बल्कि वह उस जगह को छोड़ करके कहीं और चले गए, उस शहर को खाली करके कहीं और चले गए और वहाँ जाकर के वह एक नई संस्कृति पैदा की, एक नई चीज़ों को पैदा किया। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद दो तरह की संस्कृतियाँ देखने को मिलती है, एक है पर्वती हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा के बाद वाला संस्कृति, और एक है अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ देखने को मिलती है। उसका समय है, आप जानते हैं कि 1750 ईस्वी तक तो खत्म हो गया था, तो 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में पर्वती हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलता है, और अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जिसमें तांबे का प्रयोग खूब होता है, कांसा का प्रयोग नगण्य हो जाता है, वह है 1900 से लेकर 1100 ईसा पूर्व में। ऐसे गंगा के घाटी वगैरह में देखिएगा तो ये लोग जब इस क्षेत्र को छोड़ते हैं तो ये लोग पूरब की तरफ भागते हैं और गंगा के घाटी वगैरह में बस करके ग्रामीण बस्ती का निर्माण करते हैं। और कहा जाता है कि चित्रित धूसर मृदभांड की जो संस्कृति है जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो देखने को कहीं नहीं मिलता है, इमारतें कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा है बड़ी बड़ी। साथ ही पक्की ईंटों का भी प्रमाण मिलना बंद हो जाता है, पक्की ईंट का प्रयोग अब नहीं कर रहा है कोई भी। साथ ही साथ कांसा का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं ये लोग, पर्वती हड़प्पा संस्कृति और अन्य ताम्रपाषाणकालीन वाले लोग। साथ ही साथ नगरीकरण का ह्रास हो गया, नगरीकरण कहीं नहीं है, और लिखावट भी नहीं मिल रहा है, जो लिपि सिंधु घाटी में चल रहा था वो लिखावट भी नहीं मिल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब यह संस्कृति समाप्त हो गई है और अब उसके
जगह पे या उससे दूर हट करके एक नई संस्कृति पैदा हो गई, जिसको कहा जाता है कि ग्रामीण संस्कृति पैदा हुई। और बाद में फिर से यह ग्रामीण संस्कृति कुछ वर्षों के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिर से द्वितीय नगरीकरण शुरू होगा, तो वहाँ पे फिर से बड़े बड़े बिल्डिंग्स नज़र आएंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।